सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः तीन लोक में चार हैं मंगल शरण श्रेष्ठ अरहत सिद्ध व साधुगण धर्म जैन जग ज्येष्ठ तीर्थंकर जिन देव की जिन वाणी को ध्याय सार्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्त हुलसाय। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान ने की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान ने की, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य मनीषी चंद तृतीय ढाल के नौ छंदों का पाठ करते हैं। निश्चय से सब जीव शुद्ध हैं एकेन्द्रिय या सिद्ध विधि व्यवहार बताता किस विध हो सिद्ध योग कषायो के ही कारण आत्म के परिणाम तिनको ही गुण थान कहो है संख्य प्रमाण ज्यो कोई ज्वरवान पुरुष को सब कुछ कड़वो लागे त्यों मिथ्या दृष्टि जीवन को जिन वर वचन न भावे प्रथम कहो तिन में मिथ्यात्व पंच भेद और आनो एकांतिक विपरीत विनय सह संशय ज्ञान बखानो दो नय में एक कही को माने सोए कांति कहावे केवली कबला हार बतावे वह विपरीत रहावे। अर गुरु जन को मानो क्या सच्चा क्या झूठा संशय गुणस्थान पहले से जीव चौथो पंचम साते कोई भी एक प्राप्त कर सके जो अनादि मिथ्या दृष्टि है चारों गति के प्राणी पंचलब्धि वश ज्ञानी सप्त प्रकृति का उपशम जिनको उपशम सम्यक दृष्टि सम्यक प्रकृति उदय होय यदि वेदक सम्यक दृष्टि जिन वर भक्ति बढ़ाने वाला
केवली द्वय पद मूल सप्त प्रकृति का क्षय कर पावे छायिक भव को कुल उपशम सम्यक दृष्टि के यदि आदि कसाय उदयावे सासादन दूजो गुड़ थान ज्ञान अज्ञान कहावे धी कसाय का काज है समकित घाते एक समय से छ आवली पल प्रकृति दूजी कसाय के उदय समय में तीजा गुणस्थान चौथा पंचम या छठवें से भी तीजा सादी बना यदि मिथ्या दृष्टि पहले से भी तीजा अंतर मुहूर्त काल बाद फिर इन तीनों गुण थान विषय सब जीव अशुभ उपयोगी जगन धरे अविरत सदृष्टि भावत शुभ उपयोगी यही जगन पात्र कहलाते शुभ उपयोग बड़े व्रत से तो मध्यम अंतर आत्म सम्यक दृष्टि को नित होवे धर्म धर्म फल प्रीति संवेग तथा निर्वेग आत्म साक्षी का मैं अगनिंदा गरहा गुरु से कंपा उपशम भाव क्षमा परिणाम सर्व प्राणी अनुकंपा। यह नई छाला के तृतीय ढाल का नौवें छंद का व्याख्यान पिछले दिनों से चल रहा है। जब भी किसी भी जीवात्मा में परिवर्तन आता है तो उस परिवर्तन के माध्यम से उसकी यात्रा बाहर से भीतर की ओर होने लगती है और उसी भीतरी परिवर्तन के जो भाव हैं वो भाव यहाँ बताए जाते हैं। जो भाव उस गुणस्थान के अनुसार होंगे उस जीवात्मा के भीतर जब एक नई विशुद्धि उत्पन्न होगी, एक नया उसके भीतर एक वातावरण निर्मित होगा, तो वह किन किन भावों से अपने आत्मा को जोड़ करके रखेगा, इन भावों की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। शास्त्रीय भाषा में इसे अविरत सम्यक दृष्टि जीव कहा जाता है, सैद्धांतिक भाषा में इसे चतुर्थ गुणस्थान वर्ती जीव कहा जाता है और आध्यात्मिक भाषा में इसे मोक्ष मार्गी कहा जाता है, ध्यान की भाषा में इसे अंतर आत्मा कहा जाता है, दान की भाषा में इसे जघन्य पात्र कहा जाता है। इस तरह से यह अनेक अनेक तरह के प्रारूप उस अविरत सम्यक दृष्टि जीव के लिए अलग अलग रूप से कहे जाते हैं। एक सामान्य गृहस्थ भी अपने जीवन में परिवर्तन लाता है, मिथ्यात्व को छोड़कर के सम्यक्त को उपलब्ध होता है, अपनी बुद्धि अपना विश्वास जो विपरीतता की ओर था उससे ऊपर उठकर के वह जब समीचीन चीजों पर विश्वास करता है
राइट बिलीव उसके अंदर एक आता है, तो वह बिलीव भी तभी आता है जब उसे सब चीज़ें जो लोक में यथार्थ जिस रूप में है उसी रूप में उसे ग्रहण करने में आए। इस तरह का एक भाव जब उसके अंदर आता है तब वह धर्म से भी प्रीति करता है, क्योंकि धर्म का भी सही अर्थ तभी समझ पाता है। धर्म का अर्थ यहाँ किसी संप्रदाय से नहीं, किसी विशिष्ट भगवान की पूजा से नहीं, किसी मंदिर से नहीं। धर्म का अर्थ यहाँ पर अपने आत्म स्वभाव को पहचानना है। धर्म का अर्थ अपने आत्म स्वभाव की ओर आना है। धर्म का अर्थ अपने आप को जानना और अपने आप में ही स्थित होना है, एक तरह से कहें तो। ये बड़ा अच्छा धर्म लगता है जिस धर्म में व्यक्ति कम से कम अपने से अपना परिचय पाता है। किससे? अपने से अपना ही परिचय पाता है। अधिकतर संसार में क्या होता है, हम सब एक दूसरे का परिचय लेते हैं, एक दूसरे से परिचित होकर के ही हम प्रसन्न होते हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव अपना परिचय पा करके प्रसन्न होता है। उसे भीतर से इस बात की प्रसन्नता होती है कि मुझे अपना ज्ञान मिला। दूसरे का परिचय भी अधूरा रहेगा जब तक आपको अपना परिचय ना हो। इसलिए हर व्यक्ति को अपने बारे में जानने की उत्सुकता होनी चाहिए। मैं क्या हूं, इस विषय में जितना प्रश्न आपके अंदर आएगा उतना ही आपके अंदर एक उत्सुकता आती है, और वह उत्सुकता ही आपको सही धर्म से जोड़ती है। जब व्यक्ति अपना परिचय लेता है तो जिससे उसका परिचय होता है उसी से उसको प्रीति भी उत्पन्न होती है, नहीं होती? किससे आपको परिचय हो गया? अगर अपने आप से परिचय होगा तो अपने आप से प्रेम भी उत्पन्न होगा। दुनिया में लोग दूसरों का परिचय लेते हैं, दूसरों से ही प्रेम करते हैं, अपने परिचय से हमेशा अनभिज्ञ रहते हैं और अपने को कोई प्रेम नहीं करता। क्या सुन रहे हो? इसलिए हर कोई चाहता है आप मुझे प्रेम करो, मैं आपको प्रेम करूं। सबकी मेंटलिटी यही रहती है, आप हमें चाहो हम आपको चाहें, आप हमें लाइक करो हम आपको लाइक करें। ये मेंटेलिटी जब तक रहती है तब तक यह भी एक विपरीतता चलती है बुद्धि की, और इसके कारण से वह कभी भी अपने जीवन में सुख नहीं प्राप्त कर पाता। वस्तुतः अपना अगर परिचय होगा, अपनी चीज आपको पता पड़ जाएगी, तो फिर आपको अपने से प्रेम होगा, और जिसको अपने से प्रेम होने लगता है वही व्यक्ति धर्म को अपना पाता है और वही व्यक्ति धार्मिक कहलाता है। इसलिए धर्म में प्रीति उत्पन्न होने का मतलब है अपने आत्म तत्व में प्रीति उत्पन्न होना। जब आपको इस तरह का अपने से प्रेम उत्पन्न होगा तो आप संवेग भाव में आएंगे, आपके अंदर यही भाव संवेग कहलाएगा, और इसी संवेग भाव के साथ में आप अगर दुनिया में रहेंगे भी तो भी आपको दुनिया के किन्हीं भी चीजों से कोई आसक्ति नहीं होगी, यही निर्वेद भाव कहलाने लग जाता है। जो व्यक्ति अपने से प्रेम करेगा वो भला दूसरी चीजों को क्यों चाहेगा? दूसरी चीजें कब चाहनी पड़ती हैं? जब हम दूसरी चीजों से प्रेम करते हैं, अपने से प्रेम नहीं होता है। तो जब अपने से प्रेम होगा तो हम दूसरी चीजों के प्रति भी एक अपने आप अनासक्ति का भाव रखेंगे, यही भाव निर्वेद भाव कहलाता है। और इस तरह का जब भाव आने लग जाता है तब उसकी प्रोग्रेस कैसे होती है, एक और फिर उसके अंदर गुण उत्पन्न होता है। आपने कितने गुण सुन लिए? दो, एक संवेग और एक निर्वेद। ये दोनों गुण आपकी आध्यात्मिक यात्रा के प्राथमिक गुण हैं, इन्हीं से आपकी यात्रा प्रारंभ होगी। और इन दो गुणों के बाद में फिर एक तीसरा गुण आता है, आत्म साक्षिका में अघनिंदा
और चौथा आता है गरहा गुरु से कंपा। एक गुण है निंदा करना। क्या गुण है? हाँ, गुण माना जाता है निंदा करना। हाँ, ये निंदा करना बहुत बड़ा गुण है, लेकिन ये दोष मान करके आपने रखा है। निंदा करना उस लोग बुरा समझते हैं, जबकि सबसे पहले धर्म में कहा जाता है निंदा करना शुरू करो। अपनी और पराई तो बात बाद में करेंगे, पहले तो निंदा की बात करते हैं। पहले क्या करना? हाँ, निंदा करना, क्योंकि ये तो आपने सुना ही है ना, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन सदा निर्मल करे सुहाए। तो ये तो आपने सुना ही है कि निंदक को नीरे रखना चाहिए, मतलब अपने आंगन में, अपने पास में निंदक को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि निंदक का ये स्वभाव होता है कि वह बिन पानी बिन साबुन आपका स्वभाव निर्मल करता रहेगा, आपको धोता रहेगा। तो निंदा से धोया जाता है, ये बात तो निश्चित है ना। आप बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हो, मतलब निंदा करने वाला जो होगा उसको कहा जाएगा निंदक। क्या कहते हैं उसको? निंदक। निंदा करने वाला क्या कहलाता है? निंदक। तो निंदक को अपने पास में रखने को कहा गया है, माने वह एक बहुत अच्छा आपके लिए, आपके स्वभाव को निर्मल बनाने के लिए एक तरह से वो स्वीपर है, क्लीनर है, जो भी कह लो आप सब है वो। नहीं समझ आया? वह निंदक आपको अपने पास में रखना है। अगर आपके पास में कोई निंदा करने वाला नहीं है तो आपका कभी भी मन का मैल धुल नहीं सकता है। आप बचते हो उनसे जो आपकी सफाई कर रहे हैं। महाराज वो तो पूरे ही सफाई कर देते हैं। पूरा सफाई तब हो पाती है जब हम अपने आप में सावधान नहीं होते। आपकी सफाई उतनी होनी चाहिए जैसे वस्त्र की सफाई करने के लिए साबुन की आवश्यकता है। ऐसा साबुन नहीं हो कि वस्त्र ही को साफ कर दे, माने साफ करने का मतलब वस्त्र ही समाप्त कर दे। साफ तो वस्त्र ही होता है लेकिन साबुन के माध्यम से होता है। ऐसे ही निंदक भी अपने लिए बहुत जरूरी होता है। आप हमेशा चीजों को बुरा मान करके उनके प्रति अपना जो एक एटीट्यूड है हमेशा के लिए बुरा बना लेते हो। कोई भी जगह होती है, समाज होती है, कोई भी तरह का कम्युनिटी होती है, हर जगह पर कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में लोगों के प्रति गलत धारणाएं बनी हुई होती हैं। समाज में किसी व्यक्ति के लिए कहो नहीं नहीं वो तो ऐसा है, उसके पास नहीं जाना, उससे तो बात ही नहीं करना, उससे तो इस विषय में बोलना ही नहीं, उल्टी खोपड़ी का है वो तो। ऐसी हम धारणाएं बहुत से लोगों के प्रति बनाए रखते हैं और इसलिए डरते हैं कि अगर हम उसके पास में गए तो वो हमारी बुराई शुरू कर देगा, वो हमारी किसी ना किसी तरह की वो बातें बताएगा जो बातें किसी दूसरे को पता नहीं होती हैं। इसलिए हम उससे डरते हैं और उसको निंदक कह करके उससे अपनी सेफ्टी करते हैं। घरों में भी होता है, परिवारों में भी होता है, लोग किसी ना किसी के प्रति अपनी एक धारणा बना लेते हैं, वो तो ऐसा है कैसा है, सासू माँ ने कुछ कहा, अरे उसकी तो आदत ही है बड़बड़ाने की, वो तो बोलती रहती है, वो तो ऐसा ही करती रहती है। ये भी हमने जो एक आदत बना ली, एक उसके प्रति अपना विचार बना लिया, ये हमारे अंदर क्या हो गया, उसके लिए हमने एक गलत धारणा बना ली और उस गलत धारणा के कारण से हम उससे अपना जो भला होना चाहिए था वो नहीं कर सकते, उससे जो हमारे लिए कुछ अच्छा हो सकता था वो नहीं कर सकते। कोई अगर आपकी बुराई करता है
कोई अगर आपकी निंदा करता है, आप उसको एकदम से गलत ना समझा करें, एकदम से बुरा ना माना करें, एकदम से उसको अपना दुश्मन ना समझ लिया करें। कैसी उल्टी बातें कर रहे हो महाराज आप भी। अब उल्टी तो आपको तब लगेंगी जब आपके अंदर आवेग ज्यादा होगा। अगर संवेग आ रहा है तो हर बात शांति से आपको समझ में आएगी, और उल्टी भी सीधी लगने लग जाए तो समझ लेना आप सम्यक दृष्टि बन गए। हाँ, उल्टा ही सीधा होना है। अब वैसे तो आप सब उल्टा सीधा देखते रहते हो, लेकिन जो उल्टा सीधा आपके दिमाग में आता है वो सब कुछ आपके लिए सीधा होता चला जाए। इतने सीधे बन जाओ, आपका लोटा इतना सीधा हो, जो आए सब उसमें समा जाए, लेकिन आपका पानी गंदा नहीं होना चाहिए। आपके अंदर इतनी क्षमता आएगी, ये गुण आपके अंदर आएंगे, तो भीतर से आपके सम्यक्त्व की वृद्धि होने से ही आपकी अंतर यात्रा, आपकी मन की सफाई होगी। यही अंतरप्पा कहलाता है, अंतरात्मा कहलाता है। ये गुण उसके अंदर रहते हैं। निंदक कोई भी हो, निंदा करने वाला आपकी यदि निंदा कर रहा है, तो उस निंदा करने से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है यह महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप उसको निंदक समझ करके उससे घृणा कर रहे हो, द्वेष कर रहे हो, उसको शत्रु समझ रहे हो। निंदा करने वाला निंदा करेगा, उसके लिए छूट है, लेकिन आपको सही होना चाहिए। और ये अच्छा होता है कि अगर वो निंदा करने वाला निंदा कर रहा है तो आप अपने अंदर उस अच्छाई को बढ़ा सकते हो उसकी निंदा से। अगर आप में अपनी अच्छाइयों के प्रति विश्वास नहीं है, आप अपने आप में कहीं ना कहीं एक द्वि रूपता का जीवन जी रहे हो, ड्वेलिटी के साथ जी रहे हो, तो आपके अंदर वो चीज दिक्कत देगी। अगर आप अपने आप में शुद्ध होंगे, आप अपने आप में स्वच्छ होंगे, आप अपने आप में पवित्र होंगे, तो आपकी निंदा करने से किसी के लिए कोई भी गलत संदेश नहीं जाएगा। यह विश्वास आपको होना चाहिए। आपको लगता है किसी ने हमारी निंदा की तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे लोग, क्या दूसरों के बारे में दूसरों से सुन के ही सोचते हैं? क्या उनकी अपनी कोई अक्ल नहीं होती है? क्या उनका अपना कोई व्यू या विजन नहीं होता है? वो भी सब जानते हैं। हमें बहुत जल्दी परेशान ना हो करके इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि किसी की निंदा करने से हमारे लिए कोई आक्षेप नहीं आ जाता। निंदा करने से हमें अपने स्वभाव को और अच्छा बनाना और निर्मल बनाना, हमें अपनी वह गुणवत्ता लाना जो शायद सामने वाले को पता नहीं है। इसलिए निंदा करना अच्छा माना गया है। अगर निंदा करने वाला निंदक नहीं होगा तो फिर तुम तो मनचाहे सब काम करोगे। नहीं समझ आ रहा? निंदा करने वाला निंदक भी जरूरी है। आप सोचो कि अगर कोई एक कमरा होता है तो उस कमरे में बिना कुछ किए हुए भी धूल जमती है कि नहीं, बिना कुछ उसका यूज किए हुए भी उसमें गंदगी अपने आप भी उत्पन्न होती है कि नहीं। अब अगर उसको साफ करने वाला कोई ना हो तो क्या वो साफ रह सकता है? झाड़ू की जरूरत तो सब जगह है। नहीं समझ आ रहा? मैं कोई आप पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा। झाड़ू की जरूरत तो सब जगह नहीं, अब सब बताना पड़ता है। लोग सोचने लगे महाराज आप झाड़ू के बारे में क्यों बोल रहे हो। तो हमेशा कोई भी चीज अपनी शुद्ध अवस्था में भी बहुत देर तक यहां नहीं रह सकती है। वह तभी शुद्ध रह सकती है जब वहां पर किसी भी तरह का कोई भी वातावरण ना हो, ना वहां पर किसी भी तरह से हवा हो, ना उसमें ग्रहण करने की वो शक्ति हो, तो वो चीज शुद्ध रह सकती है।
अन्यथा आप किसी भी स्थान पर कोई भी चीज को रख दो, आपसे पूछता हूं आपके फ्रिज में रखी हुई चीजें बिल्कुल प्रिजर्व बनी रहती हैं हमेशा महीने भर तक? कौन सी ऐसी जगह जहां पर सब चीजें सब सुरक्षित रह सकती हैं? कुछ नहीं होता। हर जगह पर उस चीज को साफ सफाई करने के लिए कुछ ना कुछ प्रबंध करना ही पड़ता है। आपकी बुद्धि है, आपका मन है, कि आपको लगता है कि हम जो कुछ भी करते हैं सब शुद्ध ही करते हैं? क्या हमारी बुद्धि में, हमारे मन में कभी गंदगी नहीं जाती? अगर कोई आपसे कह बैठता है तो आपको बुरा लग जाता है, और आपको अपनी तरफ से अपने मन में जो गंदगी आ रही है उसको आप कभी पहचान नहीं पाते हो, उसके बारे में कभी जान नहीं पाते हो, आपकी सफाई होगी कैसे? भीतर आत्मा की पवित्रता आएगी कैसे? इसलिए पवित्रता लाने के लिए एक साबुन की तरह या कोई साफ सफाई करने वाले उपकरण की तरह कुछ ना कुछ आपके पास में होना चाहिए। समझ आ रहा है? निंदा की जरूरत है, नहीं है? बोल नहीं पा रहे हो, हिम्मत नहीं हो रही अभी यार। अगर किसी की कोई निंदा न करे तो फिर उसके वैल्यू कैसे पता पड़ेगी कि भाई वो आदमी अपने आप में कितना प्योर है, कितना सक्षम है, वो कैसे पता पड़ेगा? निंदा करने से ही समझ में आता है कि उस आदमी के ऊपर उसका कोई प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। आज आप सीता के बहुत गुणगान गाते हो, अंजना के बहुत गुणगान गाते हो, माने शास्त्रों में देखा जाए तो स्त्रियों के ये जो नाम है प्रसिद्धि को प्राप्त हैं कि नहीं? कौन? सीता, अंजना, मनोरमा, अनंतमती, नीली आदि ये कई नाम हैं। समझ आ रहा है? ये प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। दुनिया में स्त्रियां तो बहुत हुई होंगी, नहीं समझे? चतुर्थ काल में भी अनेक स्त्रियां हुई होंगी, अनेक धार्मिक स्त्रियां हुई होंगी, अनेकों ने बहुत सारे धर्म किए होंगे, सब किए होंगे, नाम किसके रह गए? क्यों रह गए जानते हो? क्यों रह गए? हाँ, क्योंकि इनको साफ करने वाले दूसरे लोग इनके सामने थे, इनकी निंदा करने वाले, इनको प्रसिद्धि प्रदान करने वाले लोग इनके सामने थे। समझ आ रहा है? निंदक बहुत बड़ी अच्छी चीज होती है, ये बहुत आध्यात्मिक लोग ही समझ सकते हैं। इसलिए कबीरदास अपने आप में, अपने में मस्त रहने वाला आदमी था। समझ आ रहा है? दुनियादारी के कोई चक्करों में नहीं पड़ के बस अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले, ऐसे कुछ कहना चाहिए साधु होते हैं, सनकी होते हैं, तब उनके ही मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं। निंदक नीरे राखिए, नहीं तो कौन निंदक को नीरे रखेगा भैया? नाम लेते ही उसके पास कोई जाना नहीं चाह रहा, वो कह रहा निंदक पास में रखिए, कैसे रखेगा? जब आपके अंदर आध्यात्मिक दृष्टि होगी तब आपको लगेगा कि हाँ इसकी भी जरूरत है। आज हर व्यक्ति अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए इन चीजों से बचने की कोशिश करता है। हमारे रास्ते में कोई निंदक नहीं होना चाहिए, कोई कांटा नहीं होना चाहिए, सबको सफा करते चले जाओ। आप ऐसे कभी भी जी नहीं सकते हो। आप अपने रास्ते खुद अपने आप से बनाओ, और उन रास्तों पर अगर किसी भी तरह की कोई धूल अगर आती है तो आपके पास में खुद उसको हटाने की क्षमता होनी चाहिए। आपके उस निर्मल स्वभाव पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी दीवार इस तरह की बनाओ कि उस दीवार पर कोई भी धूल का कोई प्रभाव ना पड़े, आए सरक के चली जाए, टिकी ना पाए। यह आपकी कुशलता होनी चाहिए। यह कुशलता आती है इन्हीं सम्यक दृष्टि जीवों के इन गुणों को जब हम सोचते हैं तो इनके माध्यम से। यहां निंदा करने के लिए तो कहा जा रहा है, लेकिन वह निंदा आप फिर आपको करनी तो है ही है ना। ये तो बात पहले निश्चित हो गई कि निंदा करना जरूरी है। समझ आ रहा है? अब आप कहते हो कि निंदा दूसरों की मत करो, दूसरों की मत करो,
तो दूसरों की मत करो, ये ठीक है, आप दूसरों की मत करो, लेकिन दूसरा तो आपकी कर सकता है। नहीं समझ में आया? धर्म तो आपको ये सिखा रहा है, चलो ठीक है, निंदा दूसरों की आप मत करो, दूसरों के लिए साबुन मत बनो, दूसरों को नहीं चाहिए आपका साबुन तो उसके लिए साबुन मत बनो, लेकिन कोई दूसरा अगर आपके लिए साबुन बन के आ जाए तो आप क्या करोगे, ये तो बताओ। अपने अंदर इतनी क्षमता हर व्यक्ति की होनी चाहिए कि वह किसी की छोटी छोटी बातों से अपने आप को विचलित ना करे। हमारे मन की शांति किसी की छोटी छोटी बातों से डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ये आपके अंदर अगर क्वालिटी आएगी तो आप लंबे समय तक अपना जीवन सुखपूर्वक जी सकोगे, दृढ़ता के साथ जी सकोगे। ये क्वालिटी बहुत कम बच्चों में मिलती है, बड़ों में मिलती है। बहुत जल्दी आजकल बच्चे तो ऐसा समझ लो कि उनमें तो ये क्वालिटी है ही नहीं, जिसे कहते हैं एक टॉलरेंस ऑफ माइंड, वो तो बिल्कुल है ही नहीं। कोई भी छोटी सी बात हुई और रो पड़े, गुस्सा हो पड़े, कोई भी छोटी सी बात हुई नाराज हो गए। ये जो अंदर आपके बच्चों में या आपके अंदर ये जब तक इस तरह की आदतें रहेंगी तब तक आप कभी भी अपने आप को भीतर से समर्थ नहीं बना सकोगे। धर्म हमें भीतर से मजबूत बनाता है, धर्म हमें कमजोर नहीं बनाता, भीतर से हमारे अंदर वो क्वालिटी देता है। आपने कभी इन चीजों के बारे में सुना ही नहीं होगा, समझा ही नहीं होगा। निंदा नहीं करो, लेकिन आप सबके मुंह पे ताला नहीं लगा सकते। आप अच्छा करोगे तो भी लोग आपके लिए बुरा करेंगे, कहेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? आप किसके मुंह को रोकने जाओगे? आप घर में अगर अच्छा भी आचरण कर रहे हो तो भी आपके लिए बुरा कहेंगे लोग। आप किसी ग्रुप में बैठकर के भी अगर अच्छा आचरण करोगे तो भी लोग बुरा कर कह सकते हैं। आप किसी पार्टी में बैठे हो, किसी लोगों के साथ में, किसी ग्रुप में बैठे हो, वहां पर लोग तरह तरह की चीजें खा रहे हैं, पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, आपको नहीं करना, निंदा कौन करेगा? आप उनकी करोगे कि वो आपकी करेंगे, बताओ? जमाना देखो, समझ आ रहा है? निंदा किसकी होगी? कैसा आदमी है, खाना पीना ही नहीं जानता, कुछ कुछ सिखाया ही नहीं तेरे घर वालों ने कुछ खाना पीना। अरे भाई, ये सब चीजें खाने पीने के लिए ही होती हैं, इनसे मुंह क्यों बना रहा है? कौन से जमाने में जी रहा है? हमें ये नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना, ये क्या सोच रखा तूने? देख दुनिया में कैसे लोग एंजॉय कर रहे हैं और तू ऐसे बैठा है। निंदा किसकी होगी? तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम इनकी निंदा कर सको, क्योंकि तुमने अगर उनकी निंदा की तो तुम फिर वहां बच नहीं सकते, वो सब तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे। आप सोचो क्या जमाना है, किस तरह की थिंकिंग है और किस तरह की ये सोसाइटी बनती चली जा रही है, किस तरह की हमारी मेंटेलिटी बनती चली जा रही है। एक अच्छे आदमी को भी आज बुरे आदमी से डरना पड़ता है, और डरना हमेशा से हुआ है। गुड़े खल भयम, एक भर्तृहरि का सूत्र वाक्य है, गुड़ों में दुष्टों का भय होता है। जहां गुड़ होंगे वहां पर दुष्टता आएगी, दूसरे लोगों के माध्यम से दुष्ट लोग आपके इर्द गिर्द आ जाएंगे। आप बताओ क्या करोगे? दुष्ट बनोगे तो नुकसान है, और सज्जन बनोगे तो नुकसान है। अच्छा बनकर के भी, ईमानदार बनकर के भी जीना सरल नहीं है दुनिया में। आप ईमानदारी से कोई बिजनेस करके देखो, ईमानदारी से कोई जॉब करके देखो, ईमानदारी से आप कुछ भी अपना प्रोफेशन करके देखो, आपको समझ आ जाएगा। समझ आ रहा है? ईमानदारी से दुनिया में जीना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी एकदम से बेईमान भी नहीं बन जाना है। धर्म कहता है ईमानदारी के साथ ही चलो, बिना किसी की निंदा किए हुए दुनिया में रहना भी कठिन है,
लेकिन धर्म कहता है निंदा किसी की मत करो, नहीं कर रहे हैं तो दूसरा कर रहा है तो उसको भी सहो। ये और डबल गेम हो गया, डबल मार हो गई एक तरह की। हमें किसी की करना नहीं समझे, और दूसरा करे उसकी और सहो, तब जा करके धार्मिक बनो। तो भैया हमसे नहीं हुआ जा रहा, मत करो। भीतर का आपका गुणस्थान बढ़ेगा, भीतर के आपके भावों का पैरामीटर बढ़ेगा, तो इन्हीं तरह की चीजों को सहन करने से बढ़ेगा। ये चीजें आज बच्चे बच्चे को सीखना चाहिए। किसी के कुछ कमेंट्स कर देने से हम वैसे नहीं हो जाते हैं, किसी के कुछ कह देने से हम वैसे नहीं हो जाते हैं, हमें उसको इग्नोर करना भी आना चाहिए। ये अगर हमारे अंदर थोड़ी सी भी सहन शक्ति नहीं होगी तो हम कभी भी अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पाएंगे। आज जितने ज्यादा डिस्टर्बेंस हैं वो सिर्फ दूसरों के कारण से है, घरों में, परिवारों में, बच्चों की पढ़ाइयों में, बच्चों के साथ सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस क्या होते हैं? कोई रिश्तेदार कुछ फोन करके बोलता है, कोई पड़ोसी कुछ कहता है, घर का कोई व्यक्ति कुछ कहता है। ये कहने कहने की बातें सुन सुन करके भी कई लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। इनको आप रोक नहीं सकते क्योंकि आपने बनाए हैं, ये आपके अपने भी हैं, इन्हीं से आपका अपनापन जुड़ा हुआ है और यही आपके साथ इस तरह का व्यवहार भी करेंगे। अब आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि भाई निंदक नीरे राखिए, अब उनको निकट में रखो। निकट में रखने का मतलब यह नहीं है कि उन्हें भीतर संभालो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे